पहले CIA बनने, जैसा कि आपको बताया गया था कि इंटरस्टेट जो गैंग था जो गाड़ियों की चोरी करता था, फोर व्हीलर्स की, वो पकड़ा गया था। उसमें पहले CIA बनने 18 गाड़ियां बरामद की थी, 7 आरोपी गिरफ्तार किए थे। उसमें 6 आरोपियों को रिमांड पर लेकर अब पुलिस ने 16 और गाड़ियाँ रिकवर की हैं। ये जैसे कि पहले बताया था कि जो इनका प्रोसीजर था पूरा, उसको जो स्टीयरिंग व्हील को लॉक करके और उसमें अपना डिजिटली स्मार्ट की बना के उसके बाद इसको ये ले जाते थे और रैकी करके इनका पूरा जो प्लान होता था उसके मुताबिक इन्होंने चोरी की है। और अब जो गाड़ियाँ, जो पुरानी गाड़ियाँ हैं जिनमें चेसिस वगैरह और जो कुछ गाड़ियाँ, 16 गाड़ियाँ कुल मिलाकर और बरामद हुई है, जिसमें आगे की तफ्तीश अब जारी है। टोटल कितनी गाड़ियाँ हो गई सर? 34 34 गाड़ियाँ टोटल हो चुकी। तो सर जो अपराधी हैं उनके खिलाफ और कोई मामला दर्ज है? अब उन सबकी जांच की जा रही है, तो कुछ केस में एक आध केस मिले हैं तो उन सबकी डिटेल्स खंगाली जा रही है। तो सर क्या फिर करना चाहेंगे आप, जैसे स्मार्ट गाड़ियाँ खरीदते लोग कैसे विचार करेंगे? नहीं, उसमें यह है कि गाड़ी पे ध्यान रखें और कहीं पर भी गाड़ी पार्क करते हैं तो आपने जो सिक्योरिटी लॉक वगैरह हैं, जो एडिशनल फीचर्स हैं, वो लगवा सकते हैं। और इसमें ये भी स्टडी की जा रही है कि किस ब्रांड की गाड़ियों को ये ज़्यादा टारगेट बनाते थे। तो सर जो क्या चेतावनी देना चाहेंगे, जो अंतर्राष्ट्रीय लोग हैं तो क्या चेतावनी देना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि पुलिस के और कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, अंत में पकड़ा ही जाता है। और पुलिस ने, कैथल पुलिस ने साबित किया है इतने बड़े गिरोह को पकड़कर, जिसकी पहुंच कई राज्यों में थी और कई शहरों में, ये जो गाड़ियां हैं इनकी चोरी करके इनके इंजन नंबर, चेसिस नंबर बदल के इनको बेचते थे।